हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 12 रुपए 50 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 6% का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन जहां बाजार में चारों तरफा बिकवाली देखने को मिली है, तो वहीं इस स्टॉक में आज के दिन भी एक बड़ी अच्छी रैली बनती हुई नजर आ रही है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर इस स्टॉक में 5.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं 1 महीने में 2% की तेजी, 3 महीने में 70%, 6 महीने में 95% और 1 साल के अंदर 132% से भी ऊपर का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, परंतु पीछे के एक सप्ताह से इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में हाई बॉटम बना 238 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 203 रुपीज। 203 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आया, जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 210 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 235 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। जिस तरह स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहेगा, स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।